नमस्कार दोस्तों, टेस्ट किताब में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो आइए शुरुआत करते हैं अपना जो हमारा अध्याय चला हुआ था कंकाल तंत्र का, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे हम उपांग कंकाल। इससे पहली जो कक्षा हुई थी उसमें हम अक्ष कंकाल के विषय में पढ़ चुके थे और हमारा जो अक्ष कंकाल है वो कम्प्लीट हो चुका था, जिसमें हमने 80 हड्डियों के विषय में पढ़ा था। तो आइए अब उपांग कंकाल के विषय में पढ़ते हैं। तो आपको पता है कि जो उपांग कंकाल है उसमें हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, तो हड्डियों की कुल जो संख्या है वो है 126 और अक्ष कंकाल में कितनी थी, तो 80 हड्डियों की संख्या थी। तो अब देखिए जो उपांग कंकाल है, इस उपांग कंकाल को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। नंबर एक पाद और नंबर दो क्या है, मेखलाएँ। पाद को इंग्लिश में बोल देंगे लिम्स और मेखलाओं की बात करें तो इसे इंग्लिश में बोल देते हैं हम गिर्डल्स। तो मेखलाओं की संख्या कितनी है, 6। पादों की संख्या कितनी है, 120। तो पहले हम पाद को समझेंगे, उसके बाद फिर हम मेखलाओं को देखेंगे। तो अगर पाद की बात करें तो पादों की संख्या कितनी है, 120 है। तो इन पाद को क्या है, हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, अग्रपाद और पश्चपाद। अग्रपाद का मतलब होगा हाथ, फोर लिम्स बोल देंगे इसे, और इसे हिंड लिम्स बोल देंगे। अग्रपाद का मतलब होगा हाथ और पश्चपाद का मतलब होगा पैर। तो अग्रपाद यानी जो पैर है हमारे, उसमें हड्डियों की संख्या कितनी है, 60, और पश्चपाद यानी पैरों में हड्डियों की संख्या कितनी होगी, तो भी 60 होगी हड्डियों की संख्या। तो अगर अग्रपाद यानी कि अगर हाथ की बात करें तो जो हाथ है, हाथों में हड्डियों की संख्या कितनी होगी, 60 होगी। तो हमारे कितने हाथ हैं, दो हाथ हैं, एक लेफ्ट एक राइट। तो इसका मतलब जब हाथों में 60 हड्डियों की संख्या 60 है तो एक हाथ में कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। यानी एक हाथ में कितनी हो जाएगी, 30, और दूसरे हाथ में कितनी हो जाएगी, 30। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 60। यानी कि यहाँ पर हमें क्या है, अगर हम एक ही हाथ के विषय में पढ़ ले, अगर एक ही हाथ की जो हड्डियाँ हैं उनका अध्ययन कर ले, तो इसका मतलब क्या है, दूसरे हाथ में क्या है, समान हड्डियाँ हैं। तो आइए अब देखते हैं हाथ की हड्डी। तो हाथ में एक हड्डी पाई जाती है, इसे बोलते हैं हम ह्यूमरस बोन। तो ह्यूमरस बोन की संख्या कितनी है, 2 है। उसके बाद दो हड्डी पाई जाती है, एक है रेडियस और एक है अल्ना, तो कितनी होगी, 2 होगी। उसके बाद है कार्पल्स, कार्पल्स कितनी है, 8। उसके बाद बात करें मेटाकार्पल्स, तो मेटाकार्पल्स कितनी है, 5। उसके बाद बात करें डिजिट बोन, तो डिजिट बोन कितनी है, 14 है। तो टोटल कितनी हड्डी होगी हमारी, ये 30। यानी एक हाथ में कितनी हुई, 30, तो दोनों हाथ में कितनी हो जाएगी, 60। और अग्रपाद में हमने हड्डी कितनी बताई थी, 60 बताई थी। देखिए बात को समझिए, ह्यूमरस बोन जो हमारा ये हाथ है, इसमें जो ये हमारी कोहनी होगी, इससे ऊपर जो ये है इसे बोला जाएगा ह्यूमरस बोन। उसके बाद बात करें रेडियस और अल्ना, देखिए जो हाथ का ये वाला हिस्सा है इसमें दो हड्डी दिखाई देगी, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो रेडियस यहाँ पर, अल्ना यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आए हम कार्पल्स, कार्पल्स का मतलब होगा कलाई, जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये वाला, तो इस वाले पोर्शन में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 8 है। उसके बाद बात करें मेटाकार्पल्स, तो मेटाकार्पल्स में कितनी है, 5। मेटाकार्पल्स मतलब होगा ये हाथ की हथेली, तो यहाँ पर कितनी हड्डी होगी, 5 हड्डी होगी। उसके बाद बात करें डिजिट बोन, तो डिजिट बोन कितनी है, 14 है। डिजिट बोन का मतलब होगा जो उंगलियों में हड्डी है, आपको पता है एक उंगली में कितने पोरे हैं, 3 हड्डियाँ, यानी यहाँ से 3 हड्डी हैं, तो 4 उंगली में 12 अंगूठे में कितनी होगी, 2, तो कितनी होगी टोटल, 14 होगी। यानी एक हाथ में 30, दोनों हाथ में कितनी होगी, 60 होगी। देखिए सिंपल है, ह्यूमरस बोन, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल, डिजिट बोन, 1, 2 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 5 यहाँ पर, 14 यहाँ पे, तो कितनी होगी, 30 होगी। तो दोनों 8 में 60, यानी अग्रपाद हो गया हमारा समाप्त। उसके बाद बढ़ते हैं हम पश्चपाद, पश्चपाद मतलब पैर पर, तो पश्चपाद में हड्डियों की संख्या कितनी होगी, 60 होगी। तो आपको पता है कि पैर भी कितने हैं हमारे, 2 हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है। तो देखें तो पैर में अगर फीमर, एक हड्डी है फीमर, कितनी है, 1। उसके बाद बात करें पटेला, 1। उसके बाद दो हड्डी है टीबिया और फिबुला, तो कितनी होगी, 2। टार्सल्स, 7। मेटाटार्सल्स, 5। डिजिट बोन, 14। तो टोटल हड्डी कितनी होगी, 30 हड्डी होगी एक पैर में, तो दोनों पैर में कितनी हो जाएगी, 60 हड्डी हो जाएगी। देखिए फीमर जो हमारी जांघ की हड्डी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, फीमर बोलेंगे। तो जांघ की हड्डी को क्या हो गया, फीमर। उसके बाद जब पैर से आप नीचे चलोगे तो आपको एक नी कैप दिखाई देगी, इसे हम पटेला बोल देते हैं, नी कैप एक कटोरी के साइज में आपका घुटने पे, तो उसे क्या बोल दें हिंदी में हम, पटेला। उससे आगे जब आप बढ़ोगे तो जिस प्रकार हाथ में यहाँ पे दो हड्डी थी रेडियस और अल्ना, इसी प्रकार पैर में दो हड्डी होगी टीबिया और फिबुला, दो होगी।
उसके बाद आप नीचे बढ़ोगे, जैसे यहाँ पे कलाई पे आपकी कितनी हड्डी थी, 8 हड्डी थी कार्पल्स में, लेकिन यहाँ पे कितनी है आपकी टार्सल्स में कितनी हड्डी है, 7, यहाँ पे मेटाटार्सल्स 5, तो जो पैर का जो तलवा होगा उसमें कितनी हड्डी होगी, 5, और डिजिट बोन सेम वही, जो पैर की उंगली एक उंगली में 3 होंगे और अंगूठे में 2, तो कितनी होगी, 14 होगी। तो इस प्रकार हमारा जो पैर है वो कंप्लीट हो गया, एक पैर में 30, तो दोनों पैर में कितनी हो जाएगी हमारी, 60 हो जाएगी। तो ये हमारी 60 और 60 कितनी होगी, 120 हड्डी, यानी पाद जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मेखलाओं पर, मेखला बोल दीजिए, एग्यूडल्स बोल दीजिए। हमने कहा कि मेखलाओं में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 6 है। अब जो हमारी जो मेखला है, इस मेखला को हमने दो हिस्सों में बांटा, नंबर 1 अंश मेखला और नंबर 2 श्रोणी मेखला। अंश मेखला में हड्डियों की संख्या कितनी, 4, और श्रोणी मेखला में हड्डियों की संख्या कितनी है, 2 है। अब देखिए बात को समझिए, अंश मेखला क्या होगा, जो ये वाला हिस्सा है, यानी हाथ को जो बाकी शरीर से जो जोड़ रहा है, इसे अंश मेखला बोला जाएगा, इस पूरे पोर्शन को अंश मेखला, और जो हमारे पैर को शरीर के बाकी भाग से जोड़ रहा उसे बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, श्रोणी मेखला बोलेंगे। अब देखिए अंश मेखला में कितनी हड्डी, 4, तो इसमें भी दो पार्ट में बांटा गया, हसली और स्कंदस्थि। देखिए जो हमारे हाथ हैं वो इस प्रकार से, ये है स्कंदस्थि और ये हसली, स्कंदस्थि और हसली इस प्रकार से, यहाँ पे स्कंदस्थि, उसके बाद यहाँ पे पाई जाती है हमारी हसली, तो 1 2 1 2, तो कितनी होगी, 4 होगी। अंश मेखला में हमने कितनी बताई थी, 4 ही बताई थी। जो हसली है, हसली को हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, आपने सुना होगा जो हसली है उसे ब्यूटी बोन भी बोला जाता है। उसके बाद बात करें श्रोणी मेखला की, श्रोणी मेखला में 2 हड्डी हैं और उन्हें कहा जाता है नितंबस्थि, यानी कि कूल्हे की हड्डी, यानी जो आपके जो हमारे पैर है शरीर के बाकी भाग से जोड़ते हैं, तो उसे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, उसे हम नितंब अस्थि बोलेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो उपांग कंकाल था वो होता है समाप्त। 126 हड्डी थी हमने बताया, तो 126 की 126 हड्डियों के विषय में हमने पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया। और इससे पहले हमने अक्ष कंकाल में हम पढ़ चुके थे, हमने बताया था कि जो अक्ष कंकाल है, अक्ष कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी है, 80, 80 और 126 कितनी होगी, तो हड्डी होगी हमारी 206। तो ये अक्ष कंकाल हमारा पहले कंप्लीट हो चुका था, जो इससे पहली क्लास हुई थी, अब हमारा हो गया यहाँ पे उपांग कंकाल। अब इससे जुड़े हुए कुछ 2-4 बिंदु और महत्वपूर्ण हैं, उन बिंदुओं के बारे में हम बात करेंगे, उन बिंदुओं के बारे में हम बात करेंगे, उन बिंदुओं के विषय में हम बात करेंगे। तो आइए तो देखते हैं क्या है वो बिंदु, उन बिंदुओं को आप समझ लेंगे। देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी, शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो अगर कभी लंबी हड्डी की बात करें तो कौन सी होगी, फीमर होगी। जो हमारी आपकी जांघ की हड्डी थी से फीमर बोन बोलते थे, अगर मुझे सबसे लंबी हड्डी कौन सी होगी, तो हमारी फीमर होगी। उसके बाद बात करें अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी, तो होगी स्टेपिज। ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कान में। जो स्टेपिज है ये कहाँ पाई जाएगी, कान में पाई जाएगी। उसके बाद अगर कभी आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी यानी कि स्ट्रोंगेस्ट बोन, तो वो होगी मैंडिबल, वो होगी मैंडिबल, और ये पाई जाती है जबड़े में। कहाँ पाई जाएगी, ये पाई जाएगी आपकी जबड़े में। इसी के साथ अगर कभी पूछे कि मानव शरीर की सबसे भारी, हैवीएस्ट बोन, अगर भारी की बात करें तो वो भी कौन सी होगी, हमारी फीमर बोन होगी। तो वो भी कौन सी हड्डी होगी, हमारी फीमर बोन होगी हमारी। इसी के साथ अगर बात करें, आपने सुना होगा लीगामेंट शब्द सुना होगा, तो लीगामेंट क्या है, बोन प्लस बोन बराबर लीगामेंट, 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 हड्डी का हड्डी से जुड़ना लीगामेंट कहलाता है। अगर कभी किसी की हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर के जाता है, तो डॉक्टर कहता है इस व्यक्ति का लिगामेंट टूट गया, लिगामेंट का मतलब जो हड्डी है वो टूट गई, तो हड्डी का हड्डी से जुड़ना क्या कहलाएगा, लिगामेंट कहलाएगा। लेकिन अगर बात करें बोन बी प्लस एम, एम का मतलब होगा मसल्स, मांसपेशियाँ, हड्डी का मांसपेशियों से जुड़ना तो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका टेंडन, वो कहलाता है आपका टेंडन। तो आप याद रखेंगे, बोन का बोन से जुड़ना लिगामेंट, बोन का मसल से जुड़ना क्या होगा हमारा, तो टेंडन होगा। तो
तो ये हमारे जो कंकाल तंत्र हैं उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हमने पढ़ा लिया। इसी के साथ हमारा जो कंकाल तंत्र का टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होगा। ठीक है, धन्यवाद।